अपन संस्कृति अपन पहचान मिल पहाड़ी छू भी भावना चुपाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हालचाल है राम सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जो है शूट पर जा रही हूँ अल्मोड़ा। अभी मेरे साथ है भूपिदा। तो इनको आपने पहले रीना वाले गाने में भी थे हमारे साथ। उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं बनाती थी पर इस बार जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ तो सभी लोगों से मैं आपको मिलाऊंगी। तो अभी हम दिल्ली से निकले भूपिदा में और अभी हम संदीप दा के घर जा रहे हैं। नया गाना जो शूट होगा वो अल्मोड़ा में है शूट, तो कल शूट होगा वो, तो आज हम निकल चुके हैं। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दगड़ियों अभी हम संदीप दा के घर पहुंच चुके हैं। सभी लोग जानते होंगे संदीप दा को और भूपिदा से तो मिल गए हैं सब लोग। अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं हल्द्वानी में और अब खाना खाने के बाद हम जो है अल्मोड़ा की तरफ रवाना होंगे। दा बारिश होगी तो बारिश हो कुछ भी हो शूट होगा, शूट तो करना ही है बारिश हो कुछ भी हो। देख सकते हैं आप इतनी बड़ी ट्रॉफी यहाँ पे मेरे हाइट के बराबर होगी। एक बार नाप के देखो कितनी है। लो पकड़ा तो किस में मिले आपको ये? ये मेरे को मिले क्रिकेट में। अरे यार छोटी रह गई। और ये भावना भावना इसमें छोटी रह गई है। भाव हाइट कितनी तुम्हारी? 5-3 या 5-4। 5-4 है ना, तो ये 5-6 की है शायद। 5 फीट 6 की है। अब इसको दिल्ली ले जाना साथ में वहीं पीना चाहिए इसमें। हाँ 5-4 है ना तुम्हारी? 5-6 की है। उठाके कैसे लाए आप? उतनी भारी नहीं है पकड़ो। ठीक है आप। अच्छा ये अलग है क्या? हाँ। तो भावना चौपाल जी ने लंच कर लिया है, अब जा रहे हैं ये अल्मोड़ा को आज। हाँ। और इनकी एक नई दोस्त बनी है। मनस्वी तुम जानते हो उनको? कैसे जानते हो बताओ? कैसे जानते हो? इनके गाने सुने? अच्छा रील्स नहीं देखी तुमने इनकी? पहाड़ी वाली रील्स। चलो तुम भी चलो इनके साथ, दीदी के साथ। बुआ बोलती है, दीदी बोलती है क्या दीदी? तो बहुत जल्दी ये गाना शूट होने वाला है, तो उसके लीड रोल पे जो हीरोइन है वो है भावना चौपाल जी। तो घर पहुंच चुके हैं, उसके बाद जा रहे सीधे अल्मोड़ा को। फिर दोस्तों मिलते हैं अल्मोड़ा में, बने रहिए भावना ब्लॉग पे। हल्द्वानी का मौसम पिंक कलर का बंदर दिखाया हमें यहाँ कोई। ऐसा कर दो। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल, दिल्ली में पहुंच गया भीमताल। अब यहाँ व्लॉगिंग शुरू है। ये तो गाइस हम भी व्लॉगिंग करेंगे। तो अभी हमें आज हम ऐसा आए क्या यहाँ पे? हमें जाना है ना, तो 1.5 घंटे में वैसे आप लोग आने वाले थे। 1.5 घंटे में बहुत जाम लगा था। हाँ ट्रैफिक सच में था, जाम लगा था बहुत। तो दगड़ियों यहाँ पे दोनों दादा जो है ध्यान से गौर से देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ज़मीन खरीद रहे हैं यहाँ पे भीमताल में। बहुत जल्द इनका होम स्टे खुलने वाला है यहाँ पे, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, है ना? अभी भी सोच रहे हैं वो, सोच लिया बस। हाँ सामने वाले पहाड़ में लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं भवाली मार्केट।
ये देख सकते हैं आप, वैसे मैंने पहले भी दिखाई है आपको। तो गाइस हैवी ड्राइवर हमारे साथ संदीप दा, विशु दा डर गए हैं, अंदर नहीं आ रहे आप। बहुत लोग ट्रेन गया है ना, मैं ये इन्हीं से तो ट्रेन हुए। तो दगड़िया इनको लग गई है भूख, इनको आ रही थी उल्टी, पेट हो जाए गजबजी गया इनर। बधाई हो आप लोगों को। मैं बुआ बनने वाली हूँ। तभी मैं सोच। तो दगड़ियों अभी हम पहुंचे हैं लोधिया, विशुदा को जो है बाल मिठाई ले रहे हैं हम यहाँ पे। विशुदा अभी खा रहे हैं मैगी, फिर उसके बाद अभी हम जाएंगे अल्मोड़ा। यहाँ से कितनी दूर है? आधा घंटे का रास्ता होगा। जहाँ लोकेशन पे जाएंगे हम, सुबह 6 बजे निकलना है, तैयार हो के ना 6 बजे से शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो दगड़ियों हम पहुंच चुके हैं ज़ेनॉक्स होमस्टे, जहाँ हमने रीना गाना शूट करा था। फिर से 2 साल बाद हम यहीं आए हैं ना। दो साल बाद रीना टू बन रहा है। बाकी का सस्पेंस गाना रहे। देखो एक चीज बताओ, गाना जब पहले आ जाएगा तब जाके दे व्लॉग आना। नहीं मैं पहले ही डाल दूंगी। पहले आना है। मैं कौन सा गाना डाल दूंगी? पहले डाल दूंगी। अच्छा हाँ, ये तो ना उस गाने को मिला, पहले वाले गाने को दिया है। और ये गाना इस बार मैंने लिखा है और भावना ने खुद से लिखा है, क्योंकि संदीदा लिखना मना कर रहे थे। और गाने का भी खुद ही सोच रहे थे ना। हाँ गाने का सस्पेंस है, पर वो लिरिक्स बहुत अच्छे हैं गाने के। हाँ। आप देखना जो रीना 2 आने वाला पहला वो जीरो क्या है वो 0.2 मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके अपने शूट की लोकेशन पे और पूरी टीम हमारे साथ है। देख सकते हैं हमारे सोहंदा और साथ में हैं संदीप सोनूदा बड़े भैया हमारे, और लवी भाई और भूपिदा हैं, और ये हैं भावना चौपाल। और ये सारा ब्लॉग आप भावना चौपाल ब्लॉग पे देख सकते हैं। और ये हमारी हैं मुस्कान और यामिनी और पूरी टीम, मनीष, विशु भाई, और साथ में कपिल भाई हैं, मोहित हैं, और मैं अजय। तो पूरा डिस्कशन हो चुका है पूरे शूट के लिए, कल क्या क्या करने हैं, क्या तैयारी करनी है। तो दगड़ियों हम पहुँच गए, नहीं पहुँच तो गए थे कब के। तो यहाँ पे मेरे साथ दो, मेरे साथ जो इस गाने में आएंगे, आप भी आ जाओ। हेलो। तो ये दो मेरी दगड़ुआ बनी है, दगड़ू दोस्त। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये मुझे ना क्या बोलते हैं लड़के के लुक में बहुत अच्छी लगती है। लड़कों की डिमांड ज़्यादा है मेरे उसमें ना, मतलब टू इन वन गेटअप लेती है भाई। हाँ तो अच्छा। ये दो भी उस गाने में दिखेंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान जी, यामिनी जी और भावना चौपाल जी। अरे आपको नहीं यार बताना पड़ता है, अपन हम ना देसी हो आप? शॉक, मैं देसी हूँ। देसी लोग भी पहाड़ी लुक जानते हैं मेरा। अरे पहाड़ियों का क्रेजी ऐसा है। हाँ, और मैं बचपन से उत्तराखंड में रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा पहाड़ी वाला गेटअप आ ही गया है, और पहाड़ी भी समझ में आती है अच्छे से। बहुत बढ़िया। शॉक्ड हो गए क्या? हाँ ना, लगा नहीं मैं देसी हो गए? नहीं लगा मेरे को, पहाड़ी लगा था। अच्छा चलो ठीक है, ये ले बिहार में इसलिए पहाड़ सीखना। तो कहीं यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू हो चुकी है, चारों तरफ ब्लॉगिंग का कहर है यहाँ पे। मेरे को क्या। तो दगड़ियों हमारा खाना आ चुका है। हाय। दोबारा हाय बोल रही हैं। पर जितनी बार ये कैमरे में आएंगे उतनी बार हाय बोलेंगी। जैसे व्लॉग में हम लोग बार बार कहते हैं हेलो गाइस, मैं वैसे हाय हाय। तो अब हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे हमें निकलना है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो व्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और गाना जरूर देखिएगा हमारा। देखना तो।